मेरे साथ जो है हमारे मुजफ्फर शेख अहमद के भाई हैं शेख मुनव्वर। शेख मुजफ्फर शेख अहमद हमारे हैदराबाद फलकनुमा के रहने वाले, तकरीबन 4 साल से रियाद में काम कर रहे थे किसी मेडिकल कंपनी में, और 3 सितंबर 2017 के दिन इनू जो है अपने एक दोस्त की फैमिली के साथ में जा रहे थे, तो तकरीबन अल्फा अफलाज रियाद और अभा के बीच में एक मुकाम आता जिसमें कार एक्सीडेंट हुआ। कार एक्सीडेंट में इनके भाई, इनके दोस्त और इनके दोस्त की वाइफ और एक उनका एक लड़की, ये लोग मर गए। और मुजफ्फर शेख अहमद और उनके दोस्त के दो मासूम बच्चे बच गए, लेकिन मुजफ्फर शेख अहमद जो है बहुत शदीद अलील है, इनका पूरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया और इनको ले जाकर किंग सलमान हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे। इनका जो कफील है, वो कफील खुद हैदराबाद इंडिया में आया हुआ है, कफील की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर कफील जो है पेपर्स देंगा तो इनका कुछ इंश्योरेंस वगैरह मिलने के इम्कान थे। जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये वाकया हुआ, इनके भाई मुझे शेख मुनव्वर टेलीफोन करके ये बोले, तो मैं जो है इंडियन एम्बेसी को बोला और मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर को हम लेटर लिखे। लिखने के बाद में इनको किंग सलमान हॉस्पिटल से निकाल कर शमेसी हॉस्पिटल रियाद में इनको एडमिट करवाया गया। तो अब जो है कि ये हॉस्पिटल में तकरीबन 13,000 सऊदी रियाल इनको वहाँ पर बनना पड़ा। तो आज फिर इनको शमेसी हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद से फिर इनको मजीद पैसों की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर। मैं क्योंकि इनके भाई जो है शेख मुनव्वर वहाँ पर जाना चाह रही अपने भाई के साथ रहने के लिए, तो हमारे श्रीमती सुषमा स्वराज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर से मैं अपील करता हूँ कि एक तो इनके भाई को जल्द से जल्द वीज़ा दिलाने में मदद करना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्योंकि इनके भाई बहुत शदीद है, अब शमेसी हॉस्पिटल में है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनका इलाज होना चाहिए और अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए। और हमारे जो KTR साहब हैं मिनिस्टर फॉर IT एंड म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन NRI डिपार्टमेंट के भी इंचार्ज है, उनसे भी मेरी है, क्योंकि तेलंगाना का लड़का है, एक हादसे में शदीद ज़ख्मी है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कई लोगों को मदद कर रही है, तो उनको भी मदद करना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम श्रीमती सुषमा स्वराज से अपील करते हैं कि मुजफ्फर शेख अहमद की शमेसी हॉस्पिटल में इंडियन एम्बेसी को बोलकर जल्द से जल्द इनकी मदद करवाई जाए। मेरा नाम शेख मुनव्वर है, मैं इनका भाई हूँ जिसका नाम जो है मुजफ्फर शेख अहमद है। इनका एक्सीडेंट 3 सितंबर को हुआ, रियाद से जा रहे थे ये लोग इनके फ्रेंड की फैमिली के साथ, जिसमें 6 लोग थे, 6 लोग में से 3 लोग का इंतकाल हो गया, 3 लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ख्मी मेरे भाई हुए। अभी उन्होंने किंग सलमान हॉस्पिटल में शिफ्ट करे थे उनको, किंग सलमान हॉस्पिटल में उनको 8 डेज रखने के बाद 13,000 रियाल्स लिए और उसके बाद शमेसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करे उनको। तो मेरी दरख्वास्त जो है सुषमा स्वराज मैडम से, मिनिस्टर फॉरेन नेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है उनका गवर्नमेंट तरीके से इलाज किया जाए और जो है मेरी हेल्प करे। उनके पास कोई भी फैमिली मेम्बर्स नहीं है, मैं जाना चाह रहा हूँ उनके पास, तो थोड़ा मेरी हेल्प करिए। और मेरी KT रामाराव साहब से भी रिक्वेस्ट है कि जो है इसमें मैडम सुषमा स्वराज साहब मैडम से बात करिए, मेरी हेल्प है ये। थैंक यू।